लिस्ट बनाई है, लिस्ट बना रखी है सर। यस। आलमगीर जी की एक आदत है कि आलमगीर जी कहीं भी जाते हैं हमेशा इनके दिमाग में ये रहता है कि सामने वाले व्यक्ति से बात किया जाए और उसका नंबर ले लिया जाए। तो आलमगीर जी को एक बार ट्रेन में एक व्यक्ति मिला जिसने बताया कि मेरा नाम सुरेंद्र वत्स है और मैं सिलीगुड़ी में रहता हूँ। आलमगीर जी आप कहाँ रहते हैं? ठाकुरगंज। ठाकुरगंज में आलमगीर जी रहते हैं और सुरेंद्र वत्स रहते हैं कहाँ? सिलीगुड़ी में रहते हैं। और क्या काम करते हैं? एक टीचर है, एक अध्यापक है। बात बात हो गया। और आप क्या करते थे पहले सर? टेलर मास्टर थे। तो आलम जी ने बताया कि मैं टेलर मास्टर हूं। मैं क्या हूं? टेलर मास्टर हूं, कपड़े सीता हूं। बस इतनी सी बात हुई थी। उसके बाद में बात नहीं हुआ। 10 दिन बीत गए हैं। कितने दिन बीते हैं सर? 10 दिन बीत गए हैं। अब 10 दिन के बाद में आलमगीर जी ने कॉन्टेक्ट करना है एक भाई। आलमगीर जी को ये है कि आपने अपॉइंटमेंट लेना है। क्या लेना है? अपॉइंटमेंट लेना है, समय लेना है मिलने का। और मिलने के बाद आपने आरसीएम के प्रोडक्ट के बारे में बताना है। लेकिन अभी आपका मकसद यह है कि टाइम मिल जाए मिलने। यस, राइट। तो आलम जी कैसे टाइम लेते हैं वो आपने समझना है, ध्यान से समझिए। और कौन है आपके पास में? निकालिए। अभी आलमगीर जी एक झूठ मूठ का फोन मेरे से मिलाने वाले हैं। यस सर, राइट। अब आपने अगर सही तरीके से बात किया तो मैं आपको टाइम दे दूंगा सर, और नहीं किया तो मैं बड़ा टिपिकल सा बंदा हूं जैसे सारे बंदे रहते हैं टाइम लेते हैं, तो फिर मैं आपको टाइम देने वाला नहीं। तो आप फोन मिलाइए और बातचीत शुरू कीजिए। जी हेलो। यस हेलो। हाँ जी सर, जय आसियम। जय आसियम, कौन बोल रहे हैं? जी सर, भैया प्रिय आलमगीर ठाकुरगंज बिहार। सर याद है हम लोग एक बार सफर में सिलीगुड़ी जाते हुए ट्रेन में मिले थे। हाँ वो तो याद नहीं है। जे आर सी एम क्या है जो आपने बोला? जे आर सी एम क्या है? जी जे आर सी एम मतलब के ये क्या बिजनेस है सर? कैसा बिजनेस है ये? एक बहुत बड़ा बिजनेस है जिसके बारे में हम आपसे फोन पे नहीं बातचीत कर सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा अगर आपसे मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए सर, कि आप समय आपके अनुसार होगा, दिन तारीख आपके अनुसार होगा, और जब कहेंगे मैं आपको, आप अगर बस थोड़ा सा रिपेयर के थोड़ा समय देंगे तो विस्तार से इस आरसीएम बिजनेस के बारे में बातचीत करेंगे सर। ऐसे फोन पे इतनी सारी बात नहीं हो सकती सर। ये वो मेंबर बनाने वाला बिजनेस तो नहीं है? जी बिल्कुल नहीं सर, मेंबर बनाने वाला बिजनेस बिल्कुल नहीं है। ये कोई ऐसा बिजनेस नहीं है मेंबर बनाने वाला। बस एक बार आपसे बस यही है कि आप थोड़ा इजाजत दे तो मैं आपको आऊँ आपके पास, और समय आप दे दीजिए तो फिर आमने सामने ही बात करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि ये मेंबर बनाने वाला बिजनेस है या फिर और कुछ और बिजनेस है। नहीं नहीं, ये आलम जी मुझे ध्यान आ रहा है, मेरा एक दोस्त था तो वो भी इस कंपनी से जुड़ा था, मुझे ध्यान आ गया। अभी कपड़े की कंपनी है ये, और मेरा बिल्कुल इन चीज़ों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आलम जी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं बिल्कुल ऐसे किसी काम से नहीं जुड़ता। नहीं नहीं सर, वो ऐसा कुछ नहीं है माना, मैं आपके दोस्त ने ऐसा बिजनेस के बारे में किया होगा, लेकिन एक बात है सर, अब मैं ज़्यादा बात तो नहीं करता हूँ, लेकिन एक बात आपसे बताना चाहता हूँ कि लेकिन आपके दोस्तों ने एक मेंबर बनाने वाला बिजनेस को जरूर बताया होगा, लेकिन ये कुछ आरसीएम बिजनेस जो है ना अलग तरीके का बिजनेस है सर। इसमें मेंबर भी अगर भी बनाते हैं तो वो मेंबर हमारे पीढ़ी के लिए सुरक्षा के लिए बनता है सर, और ये बहुत बढ़िया तरीके से अगर बातचीत हम तभी कर पाएंगे सर। प्लीज़ आप थोड़ा एफर्ट आप अगर हमको दे और थोड़ा मिलने का समय दे तो सर। देखो चलो अभी तो मैं बिजी चल रहा हूँ, बिल्कुल टाइम नहीं है, और अभी थोड़ा सा कहीं रास्ते में ट्रैफिक में फंसा हुआ, चलो बाद में बात करेंगे। अच्छा जी सर, थैंक यू सर। तो बाद में आप कितने बजे कॉल करें सर आपको?
मैं करूंगा, जब फ्री होगा करूंगा। अभी थोड़ा हमारा सीजन का टाइम चल रहा है, अभी दुर्गा पूजा आने वाली है, तो बाद में बात करेंगे। अच्छा तो सही रहा, ठीक है सर, मैं आपका कॉल का वेट करूं या मैं आपको कॉल कर लूं सर, कुछ ऐसा कुछ लिंक बताएं सर कुछ। हाँ करेंगे करेंगे, अभी थोड़ा सा करते हैं, करते हैं। ओके ओके, बाय बाय। अच्छा ठीक है सर। अच्छा अभी बताइए, आलमगीर ने गलती कहाँ पे किया? जय आरसीएल से गलती कर दी। तो आप ध्यान रखिए, कोई जय आरसीएम नहीं, कोई गुड आरसीएम नहीं, कोई मेरा चार्ज ड्यूटी चार्ज नहीं, कुछ नहीं। नया आदमी है, उसको बस ये मालूम है कि आलम जी टेलर हैं ठाकुरगंज में, बस। कंपनी का तो नाम सुनते ही भाग जाएंगे लोग, उसके पड़ोस वाले भाग जाएंगे, उसको छोड़ दीजिए आप। तो एक तो गलती ये हो गया, और उसको सुधार सकते थे आप। कैसे सुधार सकते थे? जैसे मैंने बोला कि ये जेआरसी क्या है, तो आप ये कह सकते थे कि सर इसके बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, बस मैं आपको ये फोन करने के लिए किया है मैंने, मैं सिलीगुड़ी में आ रहा हूँ किसी से मिलने के लिए, और आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा था, एक बार आपसे मिलकर आपके साथ में बैठ के चाय पीना चाहता हूँ, फिर बात करेंगे सर। बस कॉन्टैक्ट करते समय तीन चार पॉइंट का ध्यान रखिएगा। पहला, 90 सेकंड के अंदर बात को खत्म करना है। आलम जी बात को लंबा करते जा रहे थे, लंबा करना ही नहीं फोन पे, छोटा, दोबारा फोन कर लीजिए कोई बात नहीं, छोटी बात, 90 सेकंड में बात को खत्म करने का आपका लक्ष्य होना चाहिए। सामने वाले को पहले बता दीजिए कि सर थोड़ा जल्दी में हूं, शॉर्ट में बात करूंगा, ताकि सामने वाला ज्यादा पूछेगा ही नहीं। दूसरा, कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, एमएलएम के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ नहीं बताना, राइट? क्या बताना है? मैं आपसे मिलना चाहता हूं, आज मिलूं या कल मिलूं, दो विकल्प देने। क्या करना है? दो विकल्प देने कि सर मैं सिलीगुड़ी में आया हूं, अभी दोपहर बाद मिले या शाम को मिले, दो विकल्प दे। ये नहीं कहना है कि आपसे मिलना है, कब मिलूं, इसको कहते हैं कमांड अपने हाथ में रखिए। कन्वर्सेशन की जो कमांड है ना, वो अपने हाथ में रखनी है। अगर आपने बोला कि मैंने आपसे मिलना है, कब मिलूं, तो कमांड किसके हाथ में चली गई? सामने वाले के हाथ में। उसने तय करना है मिलना नहीं मिलना, कब मिलना। और अगर आप ये कहते हैं कि सर मिलना है आज शाम को मिले या कल मिले, तो कमांड किसके हाथ में? खुद के हाथ में है। सामने वाले ने तो दो में से एक चुनना है। अगर वो दो में से एक नहीं चुनेगा तो कहेगा कि नहीं आज तो नहीं मिल सकते, आज तो बिजी। तो जैसे वो कहेगा आज नहीं मिलेंगे, तो मैं कहूंगा कोई बात नहीं सर, मैं कल भी यहीं पे हूं, तो कल सुबह मिलो या कल दोपहर बाद मिलो। हेलो यस सर। अगर वो कहेगा नहीं निकल भी बीजू, कोई बात नहीं सर, मैं अगले हफ्ते फिर आना हूँ, हर बुधवार को आता हूँ, तो अगले बुधवार को आऊंगा, तो अगले बुधवार को सुबह मिलेंगे या दोपहर में ठीक रहेगा? तो जब आप इस तरीके से मिलेंगे, तो सामने वाला कभी ना कभी आपको टाइम जरूर देगा। मैंने आरंभ में आपको एक चीज बोली थी कि आपने प्रोफेशनल तरीके से काम करना, एक डायलॉग, एक लाइन आपकी अपॉइंटमेंट को हमेशा के लिए खत्म कर देगी, और एक लाइन आपको अपॉइंटमेंट दिला देगी। वो कौन सी लाइन नहीं बोलनी है और वो कौन सी लाइन बोलनी है, उस चीज का आपने ध्यान रखना, दैट्स इट। अभी दोबारा रिहर्सल करते हैं, इन सब चीजों का आपने ध्यान रखना, राइट? अभी दोबारा फोन मिलाइए। आलम जी टेलर मास्टर हैं, सुरेंद्र वत्स टीचर हैं, सिलीगुड़ी में रहते हैं, 10 दिन पहले ट्रेन में मिले थे, बीच में कोई बात नहीं हुआ। चलिए जी, हेलो। हेलो जी, नमस्कार सर जी। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं जी? सर हम आलम जी बोल रहे हैं सर,
एक बार याद है आपको सर कि 10 दिन पहले हम सिलीगुड़ी जाते हुए ट्रेन में मिले थे, कुछ बातचीत हुई थी, कुछ गुफ्तगू हुई थी सर? हाँ 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 जी 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 मुझे याद आ गया, आप ठाकुरगंज से है ना? जी जी बिल्कुल ठाकुरगंज से सर। जी 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 मैं याद आ गया जी, आलम जी बताएं आप। अच्छा पूरी तरह का याद आ गया सर आपको? जी याद आ गया कि हम कौन है कहाँ? हाँ जी जी याद आ गया, याद आ गया। अच्छा याद है सर, तो ऐसा है हम सिलीगुड़ी के लिए आ रहे सर। अच्छा अच्छा चलिए बहुत अच्छा। हाँ सिलीगुड़ी के लिए आ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि थोड़ा आपसे सिलीगुड़ी में हम आ रहे हैं तो थोड़ा आपके साथ चाय में थोड़ा मुलाकात कर लें, तो अब शाम को मिले या सुबह मिले, हम रात को आज वहीं ठहरेंगे, तो हम शाम में मिलेंगे या सुबह मिलेंगे सर, थोड़ा आपसे अपॉइंटमेंट चाहिए सर। शाम में तो नहीं मिल सकता, सुबह में भी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप एक काम कीजिए ना, सुबह में एक बार फोन कीजिएगा तो उस समय मैं बताऊंगा, अगर थोड़ा सा अगर व्यस्त नहीं रहा तो सुबह में मिल सकते हैं। अच्छा तो सुबह हम कितने बजे फोन करें सर आपको? सुबह आप 7 बजे कर लीजिए। 7 बजे तो 10 राइट सर, मैं बिल्कुल 7 बजे आपको कॉल करूंगा सर, और दोनों सर लोग आज सुबह मिलकर चाय पार्टी करेंगे सर और कुछ बातें करेंगे सर। ठीक है, थैंक यू सर। राइट, ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर, नमस्कार सर। तो अभी सही बातचीत किया, आराम से, सामने वाला बंदा टाइम नहीं दे रहा ना, तो थोड़ा सा बोलो ना 7 बजे, ठीक है 7 बजे। तो अभी आलम जी ने क्या करना है, अब आलम जी ने प्रेशर डालना है ना, तो आलम जी क्या करेंगे, अपने मोबाइल में 6:55 का अलार्म लगाएंगे। अलार्म बजेगा और अलार्म बजते ही आलम जी को याद आएगा कि 7 बजे बात करना है, और ठीक 6:59 पे, 6:59 पे, 7:02 पे नहीं, 6:59 पे सुबह आलम जी फोन लगाएंगे, और जैसे इनका फोन आएगा मेरे दिमाग में पता क्या जाएगा, रात को बहुत डिसिप्लिन, 7 बजे बोला था, राइट 7 बजे फोन कर दिया। और एक कहावत है कि लोग अगर आपको पसंद करेंगे तो वो आपके काम को पसंद करेंगे, और लोग आपको पसंद नहीं करेंगे तो आपके काम को कभी पसंद नहीं कर सकते। हमने अपनी बात से, अपने अनुशासन से, अपने व्यवहार से सामने वाले पे प्रभाव डालना है। क्या डालना है? प्रभाव डालना है। अगर हम वो प्रभाव डाल गए तो सामने वाला हमें मिलेगा। और हम ऐसे ही पकाऊ बात कर रहे हैं, फालतू की बात किए जा रहे हैं, बात को ऐसे ही खींचे जा रहे हैं लंबा, तो कोई मिलना चाहेगा? कोई ऐसा ही पकाऊ होगा तो मिलना चाहेगा? कोई ढंग का आदमी होगा तो बोलेगा कि नहीं यार मैंने नहीं मिलना। तो आपको थोड़ा सा इन चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। खिलनाथ ओझा जी बता रहे थे कि सुबह और शाम पीसी सर का एक सेशन चलता है, आप ज्वाइन कीजिए, मैं भी सेशन का पार्ट रहता हूँ हर रोज। उसमें टीसी सर ये बताते हैं कि हमें अपने काम का मूल्यांकन करना है, जो हम काम करते हैं ना उसको देखें कि मैंने क्या किया। आप मान लेते हैं दिन में 5 लोगों से बातचीत करते हैं और 5 में से कोई भी व्यक्ति आपको टाइम नहीं दे रहा है, तो आपने चेक करना, मूल्यांकन करना कि यार क्या प्रॉब्लम है, मेरी बातचीत में शायद कोई दिक्कत है, इसीलिए मैंने उसको थोड़ा सुधारना। अपलाइन से आप सलाह लीजिए, अपलाइन को बोलिए कि सर मैं ऐसे ऐसे बात करता हूँ, देखिए मैं ठीक कर रहा हूँ, इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, तीसरा पॉइंट कॉन्टैक्ट एंड इनविटेशन वाला, ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है, इसको हमें खुद सीखना पड़ेगा और लोगों को, अपनी टीम के लोगों को सही तरीके से सिखाना पड़ेगा। अगर हम लोग ऐसा कर पाएंगे तो निश्चित रूप से हम 10 लोगों से अगर बातचीत करेंगे ना, तो 8 लोग आपका बात नहीं सुनेंगे, आपका इंतजार करेंगे कि कब आप उनसे मिलने वाले। बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, माइक आप उधर रख दीजिए, थैंक यू सो मच, एक बार जोरदार तालियां बजा लीजिए आलम जी के लिए भी, अपने लिए भी। एनजे भी आ रहे थे और हमारा परिचय हुआ और मैंने बस इतना बताया कि मेरा नाम सुरेंद्र वत्स है सर, मैं टीचर हूँ, संस्कृत पढ़ाता हूँ सिलीगुड़ी में, सॉरी बागडोगरा में, और आपने कहा कि मैं सिलीगुड़ी में रहता हूँ, सिपू यादव मैं कंप्यूटर करता हूँ, बस यही बात हुआ और कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं हुआ। फिर हम ऐसे ऐसे बातें करने लगे कि ममता दीदी कैसा काम कर रही है, तो ये बोले बहुत बढ़िया काम कर रही है, मैंने कहा जी बहुत बढ़िया काम कर रही है।
और फिर हमने थोड़ा क्रिकेट विकेट की बात की, तो ऐसे इधर उधर की बातें करके हम लोग दोनों आपस में चले गए। अब मैंने सिब्बू यादव जी से अपॉइंटमेंट लेना है। क्या लेना है? अपॉइंटमेंट लेना है। और सिब्बू यादव जी जो हैं वो थोड़े से टिपिकल से बंदे हैं, जल्दी से किसी को अपॉइंटमेंट देते नहीं। लेकिन हम घबराते थोड़ा किसी से, घबराते हैं क्या? नहीं, हम घबराते नहीं है, तो हम बात करते हैं। तो सिब्बू यादव जी से मैं बात करता हूं और राइट हम शुरुआत करते हैं। हेलो, सिब्बू जी नमस्कार, मैं सुरेंद्र वत्स बोल रहा हूँ। हम पिछले सप्ताह मिले थे मालदा से, हम लोग एनजेपी आ रहे थे ट्रेन में, मैं टीचर हूँ, आपको याद आया? हाँ जी जी जी, देखिए आपकी पर्सनैलिटी मुझे बहुत अच्छी लगी, आपका जो बातचीत करने का अंदाज है ना, मुझे बहुत प्रभावित किया। और आपका जो दाढ़ी है वो पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, जैसे क्रांतिकारी लोगों का रहता ना वैसा आपका दाढ़ी रहता था। तो मैं एक्चुअली थोड़ा बिजी हूँ सर, थोड़ा संक्षेप में बात करूँगा आपसे। मैं एक्चुअली आज किसी काम से सिलीगुड़ी आया हुआ हूँ किसी से मिलने के लिए, और आपसे मिलकर उस दिन बहुत अच्छा लगा था, तो मेरे पास थोड़ा टाइम भी है तो आपके साथ में बैठ के चाय पीनी है। तो अभी दोपहर को हम 3 बजे के आसपास मिलें या शाम को 6 बजे के आसपास में, कौन सा टाइम आपके लिए ठीक रहेगा? सर एक्चुअली शाम का टाइम तो मेरा पूरा बिजी रहता है, सुबह शाम तो ट्यूशन पढ़ाना रहता है ना, एक्चुअली ट्यूशन है मेरा। हाँ राइट राइट, देखिए मैं भी आपके प्रोफेशन से मैं समझ सकता हूँ, ट्यूशन तो कितना 7-8 बजे तक तो फ्री हो जाते होंगे ना, किस समय तक फ्री हो जाते हैं? हाँ नहीं, फिर तो लेट हो जाएगा। कोई नहीं, मैं तो हर रोज ही आ रहा हूँ किसी काम से, तो कल फिर मुझे आना है। तो काम करते शाम को तो आप बिजी रहते हैं, तो कल सुबह में हम लोग मिल सकते हैं या दोपहर में मिलें कल, बताइए। सर एक्चुअल बात क्या है कि सुबह हमें ट्यूशन पढ़ाना होता है, उसके बाद तो घर का कुछ काम होता है, खुद भी फ्रेश होना पड़ता है, फिर कंप्यूटर सेंटर है वहाँ पर भी जाना होता है, तो इस तरह से मेरा पूरा मतलब इसी में वक्त गुजर जाता है। अरे सर आप इतने व्यस्त आदमी हैं, आपको तो बिजी रहने चाहिए सर, आप इतने कामयाब आदमी हैं, आप बिजी नहीं रहेंगे तो फिर कैसे बात बनेगी। इसलिए मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ, बस 10 मिनट चाहिए मुझे, ज़्यादा समय नहीं चाहिए आपका। चाय पियेंगे बस बैठ के? ऐसे तो आपसे मिलकर हमको बहुत खुशी हुई थी, आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा था हमें, लेकिन क्या है कि सबसे पहले मैंने सिब्बू जी का थोड़ा सा एक तारीफ किया पहले, तो क्या आपका स्टाइल, आपका बात मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे याद है आपकी दाढ़ी बड़ी अच्छी लगती, क्रांतिकारी जैसी। तो अगर आप किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी की कुछ तारीफ कर देते हैं ना, तो तारीफ करने को हम लोग ये बोलते हैं कि जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करने से पहले एनेस्थीसिया देता है, बेहोशी का इंजेक्शन लगाता है, और वो इंजेक्शन लगने के बाद में डॉक्टर कहीं भी काटे पीटे कुछ भी करे, सामने वाला कुछ नहीं बोलता। तो तारीफ जो है ना बेहोशी का इंजेक्शन है, अगर आपने ठीक से लगा दिया तो फिर आप उससे अपॉइंटमेंट ले लीजिए, उसको प्लान दिखा दीजिए, उसको प्रोडक्ट दे दीजिए, वो हमेशा आपकी बात को माने। वो आपने थोड़ा सा सीखा, तो एक तो मैंने वो इस्तेमाल किया शुरू में, फिर मैंने क्या किया, फिर जब टाइम नहीं दे रहे हैं तो मैंने बोला कि सर आप जैसा आदमी तो व्यस्त रहेगा ही रहेगा, इसलिए तो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ सिर्फ 10 मिनट। और जब आप ऐसे बोलेंगे ना, सर कोई भी आदमी है, हमारे देश के लोग हैं ना वैसे बहुत भोले हैं, बस आप उनसे थोड़ा प्यार से सम्मान से उनको सुन लीजिए, बातचीत कर लीजिए, वो आपसे आपको टाइम नहीं देंगे, आपको मिलने के लिए 200 किलोमीटर दूर आ जाएंगे, बस वो थोड़ी सी कला आपने सीखी। हमारा जो बिजनेस है ना, बेसिकली ये बिजनेस लोगों का बिजनेस है, हमारा प्रोडक्ट साबुन तेल ड्यूटी चार्ज नहीं है,
हमारा जो असली प्रोडक्ट है वो है लोग। वी आर इन पीपल बिजनेस। हम लोगों के साथ में थोड़ा डीलिंग करना सीख जाएंगे ना तो फिर रॉयल्टी दूर नहीं बहुत नजदीक आपको दिखाई देगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से।